हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं पाल वर्ल्ड, जहाँ पे ये मोटा सा हाथी दिख रहे हो आप लोग व्हाइट कलर का, इसका हम लोग फाइट कराएंगे ग्रीन मेमोरिस्ट से, जो मेमोरिस्ट अपने गेमर्स के पास भी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी इंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से स्पॉन कर लेते हैं मेमोरिस्ट को। तो देख सकते हो आप लोग गाइस कि मैंने 50 लेवल का मेमोरिस्ट स्पॉन कर दिया यहाँ पे। अब इसको एक बुलेट मार के फाइट स्टार्ट करवाते हैं। ओके, तो ग्रीन मेमोरिस्ट भड़क चुका है हमारे ऊपर, और पता नहीं अपना व्हाइट मेमोरिस्ट क्या कर रहा उसको। ओके, तो अपना व्हाइट मेमोरिस्ट भी भड़क चुका है इसके ऊपर। देखते हैं दोनों के बीच कैसा फाइट होता है, कौन सा वाला मेमोरिस्ट जीतता है। ओके, लेजर यूज कर रहा है वाइट मेमोरिस्ट के ऊपर, मेमोरिस्ट अच्छा डैमेज हुआ और इसके अटैक से बंद भी चुका है गाइस। ओके, अभी दोनों में ठीक ठाक ही लड़ाई हो रहा है, देखते हैं कौन जीतेगा, ग्रीन मेमोरिस्ट या वाइट मेमोरिस्ट। अपने वाइट मेमोरिस्ट के पास जमाने वाला पावर है गाइस, लेकिन इसके पास भी लेजर है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है वाइट मेमोरिस्ट को। और पता नहीं अपना वाइट मेमोरिस्ट पता नहीं कौन सा ग्राउंड टाइप अटैक कर रहा है, पत्थर उठा के मारा पड़ा है। ओके, ये अच्छा था। अभी बोल सकते हैं अपना व्हाइट मेमोरिस्ट ग्रीन मेमोरिस्ट के ऊपर भारी पड़ रहा है गाइस। फिलहाल पता नहीं दोनों को क्या हो गया, दोनों फाइट ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। ओके, शायद से व्हाइट मेमोरिस्ट अटैक करने वाला है ग्रीन मेमोरिस्ट के ऊपर, देखते हैं कौन सा करता है। ओके, ग्राउंड टाइप पत्थर अटैक, बदले में फायर बॉल, बहुत सही, दोनों में अच्छा फाइट हो रहा है अभी। ओके, मेमोरिस्ट टोर्नेडो यूज कर रहा है और शायद उसका अटैक ब्लॉक करने वाला है, लेकिन शायद से लग गई है मेमोरिस्ट को अपने। ओके, इस बार लेजर गाइस, देखते हैं कितना डैमेज। ओ भाई, सब गंदा अटैक भाई, ग्रीन मेमोरिस्ट पर भारी है अपने व्हाइट मेमोरिस्ट के ऊपर। व्हाइट मेमोरिस्ट भी गाइस हार नहीं मान रहा, अच्छे से फाइट कर रहा, और भाई ये तो मेरे ऊपर। ओके, चक्कर आ गया इसको शायद, उनसे अटैक किया पता नहीं चला। ओके, फिर से टोर्नेडो, बदले में फ्रोजन अटैक, दोनों अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं एक दूसरे को। ओके, फिर से फायरबॉल, अच्छा खासा डैमेज भाई व्हाइट मेमोरिस्ट को। अभी व्हाइट मेमोरिस्ट हाफ एचपी पे आने ही वाला है, और गाइस शायद से ना ग्रीन मेमोरिस्ट जीतने वाला है मैच। ओके, अगेन टोर्नेडो अटैक, भाई सब अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है अपने मेमोरिस्ट को, वाइट वाले को। ओके, फायरबॉल मेरे ऊपर, नहीं नहीं नहीं, वो भाई सब लग गया भाई मेरे को भी। फिर से गाइस टोर्नेडो अटैक कर रहा है। ओके, फिर से बांध दिया है और ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, बचना पड़ेगा गाइस इससे, दोनों को फाइट करने देते हैं। ओके, मेरे साइड आ रहा है, नहीं भाई मेरे साइड नहीं, मेरे साइड नहीं। ओके, अभी दोनों में फिर से फाइट हो गई अच्छी खासी, और दोनों भाई एक दूसरे ऊपर भारी है, लेकिन ये बंदा मेरे ऊपर अटैक कर रहा भाई ग्रीन मेमोरिस्ट कब से। ओके, फिर से फायर टोर्नेडो, बदले में ग्राउंड टाइप भाई सा पत्थर वाला अटैक, और फिर से बांध दिया अपने व्हाइट मेमोरिस्ट को गाइस। अभी ना गाइस अपने व्हाइट मेमोरिस्ट की एचपी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और शायद से ना ग्रीन मेमोरिस्ट ही जीतने वाला है मैच, और अच्छा खासा फाइट तो कर रहा है अपना व्हाइट मेमोरिस्ट, अभी कुछ बोल नहीं सकते। खैर, ओके, कोई तो अटैक कर रहा हो। ओके, जमा दिया है ग्रीन मेमोरिस्ट को व्हाइट मेमोरिस्ट ने। फिलहाल तो गाइस गंदा फाइट हो रहा है दोनों के बीच, देखते हैं कौन जीतेगा, और शायद से ना ये वाला अटैक से। ओ भाई, सब गंदा अटैक गया अपना व्हाइट मेमोरिस्ट, बहुत ज़्यादा लो हो चुका है गाइस, लेकिन गाइस अपना व्हाइट मेमोरिस्ट हार नहीं मान रहा, बांध भी दिया गाइस इसको ग्रीन मेमोरिस्ट ने, और शायद इसी के साथ मैच खत्म हो जाएगा। ओके, शायद से मर गया, नहीं नहीं शायद जिंदा अभी भी, अभी फाइट चालू है गाइस। एक बार अगर लेजर अटैक कर दिया ग्रीन मेमोरिस्ट ने तो भाई मैच यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, आइसकल स्पेयर, बदले में टोर्नेडो, देखेंगे गाइस कौन जीतेगा। ओके, चक्कर आ गया शायद उसको वापस से, शायद से कम बैक हो रहा व्हाइट मेमोरिस्ट का गाइस, अच्छा खासा डैमेज दे रहा कब से, लेकिन एचपी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है व्हाइट मेमोरिस्ट की, शायद से व्हाइट मेमोरिस्ट हारने वाला है, और भाई साहब ये अटैक के बाद मर जाएगा क्या। ओके गाइस, ये वाला अटैक से मर चुका है अपना व्हाइट मेमोरिस्ट। अभी स्पॉन करते हैं अपन लोग जॉर्मन टाइट एग्निस, जिसके वर्सेस में रहेगा अपने पास जॉर्मन टाइट। भाई साहब देखेंगे ये फाइट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस फाइट से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो भाई साहब क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को। अभी टाइम है जॉर्मन टाइट इग्निस को स्पॉन करने का, और स्पॉन करने से पहले बता दूं साइनी पाल होने वाला है, और देख सकते हो जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा है अपने वाले जॉर्मन टाइट से, देख रहे हो गाइस, और साइनी अटैक करने लगा यार, भेजना पड़ेगा। अभी देखते हैं दोनों का साइज, देखो गाइस अपना वाला जो जॉर्मन टाइट है बहुत छोटा सा है, इतना सा है इसके सामने, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइस। देखते हैं ये फाइट कौन जीतता है, एक है फायर टाइप और एक है वाटर टाइप। फिलहाल मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अटैक हैं जो कि पूरे स्टेडियम में फैल जा रहे हैं। और गाइस फिलहाल देख सकते हैं हम लोग दोनों के बीच बहुत ही अच्छा खासा फाइट हो रहा है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा पाल है, छोटा सा पाल है, लेकिन उसके पास वाटर टाइप मूव है, जिसके कारण वो हावी हो सकता है जॉर्मन टाइट इग्निस के ऊपर, क्योंकि ये फायर टाइप है और अपना वाला वाटर टाइप है। ओके, अभी वाटर लेजर यूज़ करने वाला अपना जॉर्मन टाइट, देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा एचपी जा चुका है इस वाले जॉर्मन टाइट का। और फिलहाल तो गाइस मुझे भागना पड़ेगा, मेरे ऊपर अटैक करा कर से। ओके ओके गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ, देखते हैं ऊपर से दोनों का फाइट कैसा चल रहा है। और गाइस यहाँ से देखो अपना वाला जॉर्मन टाइट कितना छोटा है, इसका आधा भी नहीं है मुझे जैसा लग रहा, कि बहुत बड़ा है।
और एक ग्राउंड फायर यूज कर रहा है इस फिलहाल तो। बदले में इसको बबल अटैक पड़ा है, देखते हैं कितना डैमेज। अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं यार वाटर टाइप पाल है इसकी वजह से। ओके फायर टोर्नेडो भाई, अपना पाल भी थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है लेकिन बदले में इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है। ओके फिर से फायर टोर्नेडो, फिर से अपने पाल को डैमेज हुआ। और गाइस देखो अपना वाला जॉर्मटेड मेन मूव यूज़ किया। गाइस देखो अभी एचपी उसकी एचपी ऑलमोस्ट 10 एचपी हो चुकी है और अपने वाले जॉर्मटेड की एचपी 60 एचपी है गाइस, देख सकते हो आप लोग। तो दोनों में से विजेता तो अपना वाला जॉर्मटेड होने वाला है, बस देखते हैं कौन सा अटैक से फिनिश करता है गेम। तो फिलहाल दोनों में ना बराबर अच्छे से फाइट हो रहे हैं, दूसरों को बराबर डैमेज दे रहे हैं लोग। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, पता नहीं अपना वाला जॉर्मटेड कौन सा मूव यूज़ किया है। फिलहाल गाइस दोनों में अच्छी खासी फाइट हो रही है, फिलहाल मुझे नीचे जाना चाहिए। जॉर्मटेड अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, शायद से फिनिश होने वाला है। ओके तो गाइस अपन लोग नीचे आ चुके हैं और देख सकते हैं जॉर्मटेड अगेंस्ट का एचपी बहुत कम हो चुका है। ओके इसी के साथ शायद फिनिश हो जाएगा गेम, मैंने शायद बच गया, लास्ट मूव बचा है। ओके फायर टोर्नेडो वापस से, बदले में बबल अटैक पड़ा है इसको, अच्छा खासा डैमेज दिए हैं दूसरे को। लेकिन जो जॉर्मटेड अगेंस्ट है वो एक ही अटैक का है भाई, उसका एचपी बहुत कम हो चुका है उसका एचपी। अभी देखते हैं कौन सा अटैक करता है अपना जॉर्मटेड, शायद इसी के साथ मैच खत्म हो जाए। ओके लास्ट मूव अपना जॉर्मटेड यूज़ कर रहा बबल वाला अटैक, इसी के साथ शायद मैच खत्म हो जाएगा गाइस। नहीं नहीं फिर से बच गया। और गाइस ये जॉर्मटेड अगेंस्ट जो है इसका भाई साहब डिफेंस काफ़ी मजबूत है, काफ़ी तगड़ा डिफेंस है क्योंकि बार बार डिफेंस यूज करके अपना हेल्थ बचा ले रहा है गाइस। फिलहाल गाइस दोनों में अच्छा खासा फाइट हो रहा है, दोनों एक दूसरे का डिफेंस भी कर रहे हैं। अपना जो जॉर्मटेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। और गाइस आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को किन किन पालों के बीच फाइट देखना है, मैं उन दोनों पालों के बीच फाइट करके एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस लास्ट मूव यूज कर रहा है, देखते हैं शायद मर जाए। वो भाई साहब इस अटैक से भी सरवाइव कर गया जॉर्मटेड अगेंस्ट, शायद भाई लास्ट अटैक। ओके ओके अच्छा खासा डैमेज भाई। ओके इस फाइट में अपना जॉर्मटेड जो कि वाटर टाइप पाल है और जीत चुका है। ओके गाइस जॉर्मटेड अगेंस्ट साइनी पाल जो कि काफी बड़ा था, उसको इस छोटू से जॉर्मटेड ने भाई साहब बीट कर दिया, गाइस सोचने वाली बात है। ओके तो गाइस जाने का टाइम आ चुका है, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 300 सब्सक्राइबर के, तो प्लीज सपोर्ट करना गाइस। एक कमेंट जरूर करना, चाहे कुछ भी कर दो कमेंट में, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।